यहाँ तो पीडीपी ने पहले ये बोला था, ये कह के वोट लिया था कि हम भारतीय जनता पार्टी को दूर रखेंगे, लेकिन रखा क्या? उसके बाद उनके साथ ही सरकार बनाई। क्या फारूक अब्दुल्ला की जो हमारे उमर अब्दुल्ला साहब है, क्या एनडीए में उनको समर्थन नहीं था? पहले तो ये लोग अलग अलग जमाते थे, आपस में ये लोग लड़ाई करते रहते थे, और आज इनको डर सता रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और ये डर हमें बहुत अच्छा लगा। उन पार्टियों ने एकजुट होकर इलेक्शन लड़ा तो बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि आप अगर उनके इतिहास को देखेंगे, जो जम्मू कश्मीर की जनता है वो कभी नहीं भूलती है। जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन जो है अनकरीब हैं, और असेंबली की इलेक्शंस की तैयारियां जो है वो उरूज पर चल रही हैं, मगर बीजेपी का ये दावा है कि अब की बार 50 के बार। और इसी सब पे हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के सीनियर रहनुमा इंजीनियर एजाज हुसैन साहब, जो कि एक DDC भी हैं, सबसे पहले DDC हैं कश्मीर घाटी से। अगर बात करें, सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीधा आपसे सवाल रहेगा कि अब की बार 50 के बार, मगर रीजनल पार्टियाँ ये कहती हैं ये सिर्फ ख्वाब हैं और ये मुंगेरी लाल के सपने हैं, किस तरीके से? देखिए, जो रीजनल पार्टीज का हमेशा दावा रहा है, आप देखिए, हमेशा इन्होंने पहले तो ये लोग अलग अलग जमाते थे, आपस में ये लोग लड़ाई करते रहते थे, और आज इनको डर सता रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और ये डर हमें बहुत अच्छा लगा। आजकल जिस तरीके से हम लोग भारतीय जनता पार्टी यहाँ खड़ी हो रही है, ये जो इलेक्शन की लड़ाई होती है, बूथ की लड़ाई होती है, और बूथ पे हमारे कार्यकर्ता आज हर एक बूथ पे है, और आने वाले टाइम में आप देखोगे किस तरीके से यहाँ की पब्लिक उनको जवाब दे देगी। और जिन्होंने खोखले दावे किए थे यहाँ जम्मू कश्मीर में विकास के लिए, आज मुझे ये लगता है कि ये हमें नहीं बताना है, ये यहाँ की जनता बताएगी, और आने वाले समय में यहाँ के लोग बताएंगे कि किस दिशा में उनको जाना है। और जहाँ तक हमें एनालिसिस है, यहाँ आज हर एक वर्ग नरेंद्र मोदी जी के सपने को स्वीकार करना चाहता है और उनकी नीतियों के साथ है, क्योंकि जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहाँ ग्रो कर रही है और जिस तरीके से यहाँ पर लोगों का काम कर रही है, लोगों के हित में काम कर रही है, ये कोई शक नहीं होगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 50 से पार करेगी, और हमारे वैली में भी, घाटी में भी 10 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ जाएंगे। कहते हैं, ये भी सुना जाता है कि ये बताते हैं DDC में जिस तरीके से हमने धूल चटाई, उस तरीके से अब एक बार फिर से असेंबली में क्लीन स्वीप करें। ऐसा कुछ नहीं है, ये देखिए, इनके अलग अलग बयान थे जब यहाँ पे हमारे पंच सरपंच के इलेक्शन हुए, उस टाइम इन्होंने बोला कि हम लोग इलेक्शन ही नहीं कंटेस्ट करेंगे। उसके बाद जब DDC के इलेक्शन हुए, उन्होंने ये बोला कि हम लोग धारा 370 को वापस लाएंगे। ये बिल्कुल अपने लोगों को वर्गलाने की बात है, उनको झूठे दावे देने की बात है, लेकिन यहाँ के जम्मू कश्मीर की जनता हर बार आप गुमराह नहीं कर सकते हो। जम्मू कश्मीर की जनता जग चुकी है और विकास चाहती है और चेंज चाहती है, और चेंज यहाँ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ला सकती है। जिस तरीके से चाहे अल्ताफ बुखारी साहब हो, फारूक अब्दुल्ला साहब, जितने लोग हैं, इनका बयान आता है कि हमें जी भारतीय जनता पार्टी के साथ इसीलिए हाथ मिलाना पड़ा क्योंकि वो सत्ता में है। मैं कश्मीर के अवाम के लोग, सारी जनता को बोलना चाहता हूँ, क्या आप बीच में कोई आदमी को रखना चाहते हो जो आपके बीच में रहे और जो आपकी बात दिल्ली तक ना पहुंचाए? और इसीलिए सबसे अच्छा यह है कि आप डायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दीजिए और डायरेक्टली अपने आपका रिप्रेजेंटेटिव बनिए, और अपने वाला हकात जो वाकत है या अपने जो हालात है वो डायरेक्टली आप दिल्ली तक पहुंचा सकते हो। ये आपके लिए एक रास्ता बन सकता है जम्मू कश्मीर के विकास के लिए। कहते हैं विकास नहीं हुआ, सबका साथ सबका विकास हमें कहीं दिखा नहीं। ग्राउंड जीरो पे अगर सिचुएशन की बात करें तो आमतौर पर आज बाज़ाब्ता तौर प्रोटेस्ट होते हैं, यूथ जो है वो हक इंसाफ की बात करता है, हालांकि यूथ जो है वो एक गलत राह पे भी चल गया है, ये कारण जो है बीजेपी का है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये मानता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ कमान संभाली है, जब से यहाँ सिस्टम संभाला है, जब से दिल्ली में हमारी सरकार है, यहाँ के हालात बिल्कुल चेंज हो गए हैं। पहले आप देखते थे हफ्ते में 5 दिन तो हड़ताल ही चलती थी, लेकिन आज वैसा कुछ नहीं है, आज यहाँ पे हालात सामान्य है। हाँ, जो SC वर्ग है उनको हमने रिजर्वेशन दे दी है, आपने देखा जो डिलिमिटेशन होगी उनके लिए अलग से रिजर्वेशन रखी है। पहले तो इनको वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब हमने रिजर्वेशन दे दी, और मैं ये समझता हूँ इसी तरह हमारी बहनें, उनको पहले हक नहीं मिलता था, वो अपने यहाँ पे अगर किसी से शादी करते थे तो उनको यहाँ पे रहने का हक नहीं था, वो हक हमने उनको सम्मान के साथ दे दिया, और बहुत सारी तब्दीलियाँ हमने लाई यहाँ पे। हाँ, करप्शन के जो चार्जेस है, अभी SI का जो एग्जाम हुआ, हम इनको कंडम कर लेते हैं, और दरखास्त रहेगी हमारी गवर्नमेंट से कि इसकी CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी जी की छवि जो है, जो भारतीय जनता पार्टी की छवि है, कहीं ना कहीं यहाँ के कुछ ऑफिसर्स, कुछ ब्यूरोक्रेट्स, उनको ये शायद रास नहीं आ रहा है,
इसलिए ऐसी हरकतें कर रही है। मेहरबानी करके एलजी साहब से हमारी दरख्वास्त है कि इन कल्प्रिट्स को आइडेंटिफाई करिए और उनको कानूनी जितनी सजा होगी उससे भी कहीं ज्यादा उनको सजा मिलनी चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे भी एक करप्शन का केस लगा हुआ है, उसकी बार बार जो है उसकी वो फर्जी देते रहते हैं, किस तरीके से देखते हैं? मैं ये मानता हूँ इनका पूरा जांच होना चाहिए। इन्होंने यहाँ कश्मीर के खून के साथ सौदा किया है और कश्मीर में ये लोग पहले जिस तरीके से इन्होंने करप्शन की है, पहले ये बोलते थे, अगर आपको याद होगा जो कांग्रेस की सरकार होती थी वो बोलती थी 100 अगर यहाँ जम्मू कश्मीर में आता है उसका 10% लाभार्थी को मिलता है, 90% करप्शन में जाता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ आज 100% जो भी डिजिटाइजेशन जो मुहिम चली पूरे देश में उससे बहुत बड़ा वातावरण बना है, उससे बहुत बड़ी चेंज आई है। आज अगर किसानों के खाते में पैसा जाता है वो डायरेक्टली जाता है, अगर जो बेवाएं हैं जो हमारी विडोज है अगर उनको कोई पैसा आता है वो डायरेक्टली उनके खाते में जाता है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीमें उनको प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है। हाँ, कुछ कोताहियां हो सकती है, मैं ये हरगिज नहीं बोलता हूं कि 100% हमने ठीक कर दिया। जो यहां की गंध है, जितने यहां पे मामले हैं, मसाइल है, उसको ठीक करने में और समय लगेगा, लेकिन मैं आश्वासन देता हूं जम्मू कश्मीर की जनता को कि आप भारतीय जनता पार्टी का दामन थामिए, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करिए और फुल फ्लेज्ड तरीके में भारतीय जनता पार्टी को लेके आइए, हम आपके लिए हैं और यहां पे बिल्कुल चेंज करेंगे। आपसे एक अहम सवाल रहेगा, PAGD जिसमें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, एक पुरानी पार्टी, 70 साल पुरानी पार्टी, इसी के साथ साथ PDP भी है, एक ऐसी पार्टी, वाहिद दो पार्टियां ऐसी हैं जो बिल्कुल मजबूत रही हैं जम्मू कश्मीर में। खासकर बात करें, ये सवाल आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि अगर उन पार्टियों ने एकजुट होकर इलेक्शन लड़ा तो BJP को नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए, मैं ये मानता हूं कि आप अगर उनके इतिहास को देखेंगे जो जम्मू कश्मीर की जनता है वो कभी नहीं भूलती है। जम्मू कश्मीर के लोग ये भी समझते हैं कि इस इलेक्शन से पहले क्या वादे किए थे। यहाँ तो PDP ने पहले ये बोला था, ये कह के वोट लिया था कि हम भारतीय जनता पार्टी को दूर रखेंगे, लेकिन रखा क्या? उसके बाद उनके साथ ही सरकार बनाई। क्या फारूक अब्दुल्ला की, जो हमारे उमर अब्दुल्ला साहब है, क्या NDA में उनको समर्थन नहीं था? क्या NDA में उनके जो बेटे हैं उमर अब्दुल्ला साहब, क्या वो मंत्री नहीं थे? तो आज क्यों ये खफा है BJP से? बिल्कुल, इनकी जो गद्दी है वो खिसक रही है, उनकी जो ग्राउंड है वो खिसक रही है। हमने जनता के हक में यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया है और जनता हमें समर्थन कर रही है, उन चीज़ों को ये डिमोटिवेट करने के लिए ऐसे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। क्या आने वाले वक्त में कोई तब्दीली आपको नजर आएगी? बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ जम्मू कश्मीर के जो जनता है वो बिल्कुल जागरूक जनता है और इंशाल्लाह जनमत होगा, जब इलेक्शंस होंगे, बिल्कुल इन पार्टियों को नकारेंगे और करारा जवाब देंगे और भारतीय जनता पार्टी जो नई पार्टी है जम्मू कश्मीर के लिए उनको समर्थन देंगे ताकि हम लोग इनके विकास के लिए, इनके भला के लिए हम लोग काम कर सकें। एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि जिस तरीके से आप हज कम्युनिटी के मेंबर भी हैं, इस बार की अगर बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से जो है सारी फॉर्मेलिटीज़ आपकी जानिब से भी जो है बाज़ाब्ता तौर की गई, तो जिस तरीके से ये पूरा वक्फा गुजरा, क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कितनी जद्दोजहद आपको करनी पड़ी? सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ सारे हाजियों को जो इंशाल्लाह जो इस बार हज पे गए थे और जो वापसी आ रहे हैं। इस बार का जो हज है बिल्कुल स्मूथ रहा, हमने कोशिश की, जो हमारी हज कमेटी ऑफ इंडिया के मेंबर्स हैं उन्होंने प्रॉपर मॉनिटरिंग की, चाहे इंडिया में, चाहे सऊदी अरबिया में, चाहे उनके अकोमोडेशन को लेके हो, चाहे उनके हेल्थ केयर को लेके हो, हमने हर जगह कोशिश की इस बार इम्प्रूव करने के लिए। और आपको पता होगा पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला वीज़ा जो है वो हमारे देश में देश के एक पिलग्रिम को लगा, ये जताता है कि नरेंद्र मोदी जी के लिए विदेशों में कितनी मोहब्बत है। मैं ये समझता हूँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, हमने खुद इस बार SS की, हम लोग खुद गए थे सऊदी अरबिया, और जो जो मुश्किलात होंगे, जो जो मसले मसाइल होंगे या चैलेंज आएंगे उनको हम लोग रिव्यू मीटिंग में ले लेंगे और आने वाले समय में कोशिश करेंगे उसका और अच्छे से हम लोग कर सके। जो पिलग्रिम्स है ये अल्लाह ताला के मेहमान होते हैं, ये हम लोग इनके खादिम हैं और हम लोग कोशिश करेंगे और मजबूती के साथ और अच्छे तरीके के साथ इनको आगे से भी और हम लोग फैसिलिटेट करें। एक सवाल आपसे ज़रूरी करना चाहूँगी, पब्लिक का सवाल है कि महंगाई बढ़ चुकी है जनाब, आप 2008 के आंकड़े लीजिए और आज की महंगाई देखिए, 2009 को देखिए और आज की महंगाई देखिए। अगर गैस सिलेंडर जो है वो बाज़ाब्ता तौर अगर 400 में मिलता था, आज उसका डबल है, डबल नहीं बल्कि ट्रिपल है, हर एक चीज़ में महंगाई हो गई है। एक गरीब तबका जिसको दिन दिहाड़ी नहीं लगती वो आखिरकार कहाँ जाए? बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ जब से कोविड की वबा आई है उसमें पूरे वर्ल्ड में उसके इन्फ्लुएंस में लाया, ऐसा नहीं हमारे देश में महंगाई बढ़ी है, बाकी आप जहाँ पूरे वर्ल्ड में आप देखोगे सब जगह महंगाई बढ़ी है। हाँ,
जब जो इंडस्ट्रियल जो रिविजन है जब तक वो इम्प्रूव नहीं होगा, जब तक जो हमारी जिस तरीके से हमारा देश चलता था, जिस तरीके से सारी व्यवस्थाएं होती थी, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ उस चीज़ का भी अजाला होगा और वो चीज़ भी नहीं रहेगी और इंशाल्लाह यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा और आने वाले समय में जो महंगाई है वो कम होगी। उम्मीद करते हैं इस तरीके से जो है काम होता चले और दिन ब दिन जो है बेहतरी की ओर जम्मू कश्मीर बने और जम्मू कश्मीर की आवाम को जो है एक राहत की सांस मिले। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे बीजेपी के सीनियर रहनुमा एजाज साहब। मजीद इनसे जानने की कोशिश की कि किस तरीके के हालात जो इस वक्त जम्मू कश्मीर घाटी में बने हुए हैं और अगर इलेक्शन आते हैं तो क्या कुछ तैयारियां हैं और अब की बार क्या सही में 50 के पार होगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। आप देखते रहिए द टाइपराइटर, जावेद खान के साथ।